एंड बोथ फॉर दिलेशन हु आर वर्किंग फॉर द प्रैक्टिस ज़ाहिर है जब एक ग्रुप प्रैक्टिस होगी उसके अंदर जो है वो कम रिसोर्स एंगेज होंगे और ज्यादा लोग उसमें अपना अपनी सर्विस पुल इन करे होंगे तो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ग्रुप प्रैक्टिस में हैव हायर इनकम पोटेंशल बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव बहुत कम हो जाएंगे एंड एडवर्टिजमेंट कॉस्ट जो है वो भी शेयर हो जाएगी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक सेटअप की कॉस्ट शेयर हो रही है और उसके अंदर डिफरेंट लोग अपने timings पर, अपने टाइमिंग्स के ऊपर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं द काउंसलर्स एम्प्लॉयड बाय द प्रैक्टिस टिपिकली वोंट डू देयर ओन बिलिंग विच अलाउस फॉर मोर टाइम्स वाल स्पेंडिंग टुगेदर यानी एक सेक्रेटरी है जो सबके लिए टाइम ले रहा है वो सबके बिल कर रहा है और उसकी वजह से Uh, जो थेरेपिस्ट है उसका टाइम बच जाता है और वो बहुत सारा जो मजीद अपना बचा हुआ टाइम है वो भी क्लाइंट्स को देखने में सर्व कर देता है तो इसकी वजह से उसकी प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा फाइनेंशली इनरिच्ड हो जाती है नाउ टॉकिंग अबाउट द कोवर्कर्स सम साइकोथेरेपिस्ट फाइंड प्राइवेट प्रैक्टिस अ लोनली बिजनेस थ्रू दिस सर्टनली डिपेंड्स ऑन टू द दसनैलिटी टाइप्स एंड यूनिक नीड फॉर प्रोफेशनल इंटरेक्शन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहते हैं अपने नाम को वो दूसरे लोगों को सेल नहीं करने देना चाहते और वो यूनिकली अपने प्रोफेशन के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं सो दे डोंट गो फॉर दैट इन अ ग्रुप प्रैक्टिस कॉलिग्स में ऑल्सो भी एबल टू कवर मिस्ड सेशन ड्यू टू इलनेस एंड अदर इशूज फेस बाय द मेन थेरेपिस्ट अब जब हम ग्रुप प्रैक्टिस की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल जो कि सिर्फ अपना काम कर रहा है और वो किसी और को अपने काम में कंट्रीब्यूट नहीं करने देना चाह रहा अगर वट इफ़ अगर वो बीमार पड़ जाता है उसे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाता है या उसको कोई पर्सनल कंस्टेंट आ जाता है ऐसी सिचुएशन में ग्रुप प्रैक्टिस का एडवांटेज ये है कि उस इंडिविजुअल को अपने को वर्कर्स और अपनी कोलीग्स की हेल्प से अपने वो सेशन जो उसके मिस हो रहे होते हैं उनको कवर करने का टाइम मिल जाता है बिकॉज हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल जो कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का शिकार है और उसको अपनी इम्पल्स कंट्रोल को संभालना हैंडल करना आसान नहीं है उसे वीकली सेशंस की ज़रूरत है अगर किसी वजह से वो थेरेपिस्ट पांच सेशंस उसके लिए अवेलेबल नहीं है या दो सेशंस अवेलेबल नहीं है तो मे भी उसकी प्रॉब्लम ट्रिगर होकर इन दो दिनों में या पांच दिनों में या सेशंस में बहुत ज़्यादा बुरी हो जाए तो अगर उसको मीन सपोर्टिव से मिलते रहें बाई द ग्रुप प्रैक्टिस एंड अदर कोलीग्स तो वो बेहतर महसूस करेगा सो इन अ वे इट इज़ गुड फॉर द क्लाइंट्स एज वेल इट इस वेरी हेल्पफुल बिकॉज द क्लाइंट वोट नीड टू बी वरी फाइंडिंग एन अनफेमिलियर लोकेशन कि वो किसी नए सेटअप में जाएं कोई नया क्लिनिक ढूंढें उन पाँच हफ्तों के लिए या उन दो हफ्तों के लिए और वो बड़े आराम से अपने उसी सेटअप के अंदर उसी सनारियों के अंदर अपनी वो सर्विस किसी दूसरे काउंसलर से ले सकते हैं राधर देन गोइंग टू तो एन अनफेमिलियर प्लेस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस साइड नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवाटेजेस ऑफ ग्रुप प्रैक्टिस एंड अदर वन इज स्किलफुली मैनेजिंग अपने हाउ एवर वट एवर स्मॉल इट इज रिक्वायर्स अ रेंज ऑफ टैलेंट एक थेरेपी के सेटअप को एज अ बिजनेस चलाने के लिए आपको उसकी टाइमिंग का उसके क्लिनलीनेस का उसके मॉनिटरिंग का क्लाइंट्स की वेलफेयर का उनके सेशंस जो मिस हो रहे हैं उनको पूरा करने का उनकी अपॉइंटमेंट्स को रिसकेजुअल करने का बहुत सारा काम जो है वो करना पड़ता है दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग द टैक्सेज इंश्योरेंस पेमेंट एंड अदर लीगल एस्पेक्ट विच कम्सअप एंड देर आर सो मेनी जस्ट टू नेम अफ्यू सो so, इसके अलावा हम जब एक कंपनी बनाते हैं उसको रजिस्टर करना उसका टैक्स मेंटेन करना उसकी इंश्योरेंस को देखना और उसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स को देखना जैसे क्लाइंट्स आ जाते हैं उनको कोई लीगल सर्टिफिकेट चाहिए या इधर आपने उनको प्रोवाइड करना है या नहीं कोर्ट को आपसे सर्टिफिकेट चाहिए तो शेयर्ड बिजनेस में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर्ड हो जाती हैं प्रॉबेबली द होल कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग ग्रुप प्रैक्टिस करें वो एक लॉयर हायर कर सकते हैं जो इन सारे टर्म्स को इन सारी चीज़ों को देखता रहे और थेरेपिस सकून से, से अपना काम जो है वो करता रहे और वह बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो अग्रोप प्रैक्टिस में सूट थेरेपिस्ट है इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड डोंट माइंड हैविंग लेस कंट्रोल और पोटेंशियल क्लाइंट्स यू विल वर्क विद सो तो वो लोग जो बहुत सुकून से साइकोथेरेपी में अपने आप को इन्वेस्ट करना था चाहते हैं वो लेट्स से दे वॉन्टिड टू गो फॉर डिटेल सेशंस ऑफ हिप्नोसिस साइको एनालिटिकल अप्रोच इस तरह की चीज़ें या वो कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी बिजनेस मैटर्स को भी देख सकें उनके लिए भी गुड बहुत एक गुड प्रैक्टिस हो सकती है कि वो आ, इस तरह से एक आ, जो है वो ग्रुप थेरेपी के अंदर जो है वो अपने आप को एज़ अ बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व कर लें डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स सो सम ग्रुप प्रैक्टिस माइट ऑल्सो ऑपरेट बाई शेयरिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज़ बिलिंग एंड डिपेंडिंग ऑन पर्सनल इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ कि ग्रुप प्रैक्टिस का हिस्सा है कि आपके पास एक ग्रुप में मुख्तु साइकोथेरापिस्ट डिफरेंट एक्सपर्टीज लेकर बैठे हुए होते हैं तो जब कोई भी क्लाइंट आता है उसको कहीं और भेजने की बजाय उस ग्रुप में कोई ना कोई बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है बिकॉज इट हैज़ बिकम सच स्पेसलाइज बिजनेस के एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है आज वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्पेशलाइज फील्ड शायद जो जो ओल्ड एज में डील कर रहा है जीरेट्रिक्स के प्रॉब्लम के साथ वो डिफरेंट होगा और बच्चों को देखने वाला साइकोलॉजिस्ट जो तो है वो डिफरेंट होगा रेफर विद इन ग्रुप प्रैक्टिस हैविंग अ पूल ऑफ क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एज आई जस्ट मैं इन सेम ऑफिस कैन मेक इट वेरी इजी टू प्रोवाइड रेफर इनस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग थेरेपी बाई रेफरिंग योर क्लाइंट टू अल अनदर लोकेशन इन अनदर से नॉट फाइंड हिमसेल्फ कम्फर्टेबल It is good that you might recommend the one to their colleague in the same place. So at times, this makes the life of the client very well, very much easy, and it also provides a very good deal to the business of a mental health professional.